बेबी, हबीबी के मम्मी पापा ने इन तीनों के लिए कुछ भेजा है। है क्या? ये तो तहलका मचा देंगे अभी तीनों की। तो तीनों ऐसा क्या भेज दिया? मैंने देखी वो चीज, भारी है, मतलब अंदर लाई नहीं मैं। पहले मुझे तो दिखा। अच्छा चलो लाओ। क्या आने वाला है? हैं? चिंचा मामा क्या लेने जा रही है? मैंने बच्चों के लिए क्या आया ये? ओ चैनल, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज बड़ी अच्छी तरह से ऑयलिंग करी है, अभी उसके बाद नहाई हूँ मैं, हॉट शावर लिया है और अभी मैं तैयार हूँ अपनी योगा क्लास के लिए। अविनाश गया हुआ है अपनी शूटिंग रेंज में और वो आता ही होगा या पता नहीं कब तक आएगा, मुझे पता नहीं है, बट मैं तैयार हो गई अपनी योगा क्लास के लिए। आधा घंटा भी बचा है, तब तक मेरी चाय आएगी और मैं चाय पीऊंगी। अमिता चाय बन गई क्या? मामा छोटा बेबी ने गुंडागर्दी मचा दिया, गुंडागर्दी मचा दिया बाबा। अच्छा नहीं करते मामा, मेरी टीचर वापस आ गई। मैंने शायद आपको बताया नहीं, बताया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी जो एक्चुअल टीचर है वो वापस आ चुकी है और उनके साथ मेरा योगा शुरू हो गया है। आ गई मेरी चाय भी, बैठ के चाय पीऊंगी मेरे बच्चों के पास। पापा का बेटा पापा के बिना क्या क्या करता है, पापा को पता भी नहीं है। लड़कियां ऐसी नहीं होती बेटा, ऐसी नहीं होती। लड़कियां ना सभ्य होती हैं, लड़कियां चुपचाप रहती हैं, लड़कियां हो हल्ला बिल्कुल नहीं मचाती हैं। तू गई अपनी माँ पे, यदि शादी नहीं हो पाएगी बेटा ऐसे करेगी तो। आज का योगा सेशन मेरा खत्म हुआ, बहुत सारी अच्छी बातचीत हुई आज, मैं बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी रोकना पड़ रहा है योगा, क्योंकि यहाँ पे हो रही है एसी का फिल्टर ठीक हो रहा है, तो अभी योगा नहीं हो सकती है। थैंक यू, कल मिलते हैं। पूरे घर के एसी क्लीन हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले बारिश शुरू हो जाएगी, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे जी मेरा फ्रूट भी आ गया है, थैंक यू। तो जी मेरी योगा वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, खाना खा लिया, अविनाश अंदर आया हुआ है और अभी अभी घंटी बजी है और घर पे कुछ आया है इन तीनों बच्चों के लिए, जो कि इनके लिए सरप्राइज है। मैंने इसलिए अभी अंदर नहीं लिया और अविनाश को भी बताया नहीं है। अविनाश को भी मैं बता देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या आया है। बेबी, हबीबी के मम्मी पापा ने इन तीनों के लिए कुछ भेजा है, तुम बाहर आओगे तो तुम देखोगे। और वो मुझे उनके घर पे इतना अच्छा लगा था ना बेबी, लेकिन जो उन्होंने भेजा है ना, तो मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तुमने मांगी वो चीज? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगी थी, मैंने तो उनको बोला था कि ये बहुत अच्छा है यार, मेरे को भी बनवाना है, तो उन्होंने भेज दिया गिफ्ट यार, बनवा के भेजा। इन्होंने देख लिया? नहीं। है क्या? ये तो तहलका मचा देंगे अभी तीनों की। तो तीनों आओ, फिर दिखाती हूँ तुम्हें। आओ। ऐसा क्या भेज दिया? मैंने देखी वो चीज, काफी टाइम से तुम भी गए नहीं हो ना उनके घर पे, तो तुमने भी नहीं देखी है। ये बैठी हुई है, वेट कर रही है कि कुछ आया है, पता है कि कुछ तो है। कहाँ पे रखा है? भारी है, मतलब अंदर लाई नहीं मैं। पहले मुझे तो दिखा। अच्छा चलो लाओ, तो साथ में दिखाती हूँ ना। चलो ठीक है लाओ। रेडी है? बिल्कुल तैयार। क्या आने वाला है? हैं? चिंचा मामा क्या लेने जा रही है? ओ क्या है? ओ अरे बेबी पॉपकॉर्न चेयर। ओ मेरे बच्चों के लिए क्या आया ये? क्या दिया है सिमरन जी ने आपको? अरे तीनों कितने कुछ हो गए, अरे घूमने लगे। ये तो बहुत, अरे चेरी कैंडी चुनचुन। हाँ प्रिंसेस लिखा है, थ्रोन बना है ऊपर और ये गुड़िया बनी हुई है, प्रिंसेस बनी हुई है। ओह बहुत प्यारा है, कलर कितना प्यारा है। तो बाबा इसे ऐसे रखेंगे इसको। चेरू को बिठाओ, चेरी फिट नहीं होगी इसमें। चेरू के लिए ये। ओ चेरू, ओ चेरू। ऐसा लग रहा है वो क्राउन उसके सर पे ही है, पता है? हाँ देखा पिता, अरे देख सारे चढ़ना चाह रहे हैं। खुश हो रही है, मुझे को तेरे को सुन रही है। चेरी कितनी अच्छी लग रही है, सच में प्रिंसेस लग रही है बैठी हुई उसके ऊपर। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है।
अब पहले उसको बिठा दिया ना, अब उसको हमेशा के लिए लग गया कि ये मेरा ही है। हाँ तो ये उसी का है बेबी। अब वो बैठने नहीं देगी किसी को, उसी का है। थोड़ी थोड़ी जगह करके इनको भी थोड़ी कोने कोने में जगह दे दो। चुंचा को तो दे ही दो, कैंडी फिट नहीं होगी। यहाँ रख रही हो? हाँ यार ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ। लेकिन हम भी बैठ सकते ना इसपे। हम भी बैठ सकते, लेकिन उनके लिए नहीं। लेकिन बड़ा कम्फर्टेबल लग रहा है, जैसे चेरी बैठी है ना, अपना भी बैठने का मन कर रहा है। बताए चेरू मम्मा बैठ जाए। अरे तो ये क्या बात हुई कि चढ़ भी नहीं सकते हो यार। चेरी बैठी है तो कोई चेरू, आप तो बहुत मजे ले गए उसके ऊपर। अच्छा लग रहा है आपको? हबीबी के मम्मी पापा ने भेजा आपके लिए, पता है? थैंक यू बोल रही, थैंक यू है ना। थैंक यू बोलोगे आंटी को? थैंक यू बोल दो बेटा, थैंक यू बोल दो। थैंक यू आंटी बोल, अंकल को नहीं थैंक यू? अंकल को भी थैंक यू, थैंक यू अंकल को डबल थैंक यू। और हबीबी और अलबी को? हबीबी अलबी को नहीं थैंक यू बोलो। ये देखो ना कब से पूछड़ी घुमा के घूम रही है कि मेरे को भी एक चांस मिल जाए। स्मेल कर रही है, चेक कर रही है वो। ये देखो ये कह रही है कि मेरे को ऊपर चढ़ा। दीदी लेकिन कितना सुंदर बनाया है यार, मतलब वो सिर्फ इनके लिए घर की कितनी शोभा बढ़ा रहा है देखो। हाँ यार ये कलर एकदम व्हाइट के साथ, ये प्लान करके कलर दिया है क्या ये? मैंने, मेरे को तो पता भी नहीं ना, बट ये कलर देखो बाकी सब चीजों के साथ कितना अच्छा जा रहा है, कितना अच्छा जा रहा है यार। ये ना थोड़ा सा वो स्टैंड आउट कर रहा है कलर। ये गुड़िया कितनी प्यारी बनाई है, इसकी फ्रॉक अलग है इसमें। हाँ ये तो फाड़ देगी चुंचा। नहीं फाड़ेगी, नहीं फाड़ेगी। चलो चलो चुंचा कैंडी को भी आने दे अभी। पीछे चलो चेरी के लिए, पता है अच्छा क्यों है? सुनो ना चेरी सोफे वोफे पे नहीं चढ़ पाती ना, चलो आ जाना इस पे चढ़ जाएगी आराम से। देखो मेरी दांत दिखा रही है मेरे को। चुंचा चुंचा कैंडी के लिए भी है ना। चल उठ, चल उठ, आओ नीचे। नहीं आना उसको, नीचे नहीं आना। क्या क्या? थोड़ी देर के लिए फिर वापस इसी को बिठा देना, उनको एक बार टेस्ट तो कर लें यार दोनों माँ बेटी को। लेकिन चेरी नहीं आना यार, उसके मुंह पे उसके मुंह पे मेरे को नहीं आना नीचे। बेबी सुन कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है इसी के लिए बना है। मेरी बेचारी कैंडी में मुंह देखे चेरू। 2 मिनट के लिए बेटा, खाली उनको चेक कराना है एक बार। ये देखो ये बेचैन होके घूम रही है। थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा इस तरह वेट छोड़ दिया। हाँ 2 मिनट ट्राई तो कराओ फिर बिठा देंगे। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। इसको बाद में बिठाना था क्योंकि लत भेसर है ना। इधर चलो छोटा बेबी, आओ चलो दोनों आ जाओ। अरे तो दोनों सेट हो गई। चलो मामा जाओ, बैठे की बैठे की जाओ। अरे कितनी खुश है, मेरे को बताने आई है। आए मामा मिला, बहुत खुश हो गए। दिस इज योर पॉपकॉर्न चेयर बेटा। खुश हुई है, खुश हो एक दूसरे को मुंह साफ कर रही है खुशी में। कितना अच्छा लग रहा है लेकिन, है इनको देख के मजा आ गया इनको। ये तो खेल रही है इसके ऊपर, लेकिन वो चेरी मुंह देख रही है ना मेरी। अभी चलो मौसी की बारी, मौसी की बारी। चलो मौसी की बारी बेटा, मौसी वो भी नहीं आ, मौसी की बारी बेटा। पीछे हो जा रही है, अभी कहां से सीख के आई है ये बेटा? मैं क्या करूं मौसी बेटा, देख रहे हो, देख रहे हो कैसे कर रही है? नीचे से ना पीठ से आगे को कर रही है क्या? ये क्या बात हुई यार, एक ही है ना बेटा, सब मिल बांट के बैठेंगे। ये टेढ़ी हो गई बेटा, एक ही चेयर है, मिल बांट के सबको बैठना। आज चलो चल चलो, अब नहीं जा गुस्सा हो गई। चलो चलो चलो, अरे उधर को मुंह करके सोई है इनके, इनसे नजरें भी नहीं मिलाना चाह रही है। पता है हे भगवान, उसका मुंह तो इधर करो। चलो नीचे उतरेंगे अब, चलो हम नीचे उतरेंगे, बाकी को भी आ रहे दो ना। चेरी आते चेरी नीचे उतर, चेरी आ जा नीचे, चेरी बाकी को भी बैठ। ये देखो देख रही है कि कब उतरेगी, हम कब बैठेंगे। वो दोनों वेट कर रही है इस चीज का कि मम्मी उतरेगी तो हम बैठेंगे। सिमरा ये क्या दिया कलेश? ये कलेश की जड़ है, कलह की जड़ है हमारे घर में। ये नाम तो तीनों के आ गए है एक। ये प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है भाई, कलेश हो गए। वो देखो वो नीचे जमीन चाट रही है, धूल चाट रही है। आ जा चलेंगे नीचे, उतरने को तैयार नहीं भाई। बेटा आपकी है लेकिन थोड़ा सा तो उतरो, आओ। अरे चेरी चेरी आते हैं, ऐसा नहीं करते बेबी। ये तो चेरी के लिए ही बना है यार, सुंदर लग रही है। मजा आ रहा है ना, ये जो हरकतें कर रही है। अरे चेरी ये ना रात के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। पता नहीं ये रात को इस पे चढ़ के लेटेगी कि नहीं। नहीं इस पे मुश्किल है, जमीन अच्छी रखती है लेकिन कैंडी कई बार सो सकती है इस पे।
क्या बोल रही है ये, क्या बोल रही है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या हुआ चेरू, क्या हो गया? अच्छा लग रहा है आपको? बेबी बहुत खुश है। अमिता एक एक हड्डी दे दे इनको। इतना अच्छा तो मिला है, दे देना, दे दे, खुश है बेटा। रोज तो हड्डी नहीं मिलती है। हड्डी खाओगे? हड्डी खानी है? लो पहुंच भी गए दो तो। हड्डी खानी है चेरी? पॉपकॉर्न चाहिए, पार्टी चाहिए, हड्डी? चलो हड्डी चाहिए ना बाबा, इधर ही मिलेगी। पॉपकॉर्न पार्टी है ना आज, पॉपकॉर्न पार्टी इधर ही मिलेगी बेटा, मैं दे रही हूँ। ओ पॉपकॉर्न पार्टी, ओ ये पार्टी, ओ पॉपकॉर्न पार्टी। थैंक यू आई के मम्मी पापा। नहीं नहीं ज्यादा हो रहा है बेटा, बेटा कह रही हूँ। बेटा कह दिया मेरे को, एक दिन भाई कह दिया था। नहीं यार इतना मत दो, इतनी वाली दे रही है, एक छोटा सा भैया यार। जी भैया एंजॉय करने दो बच्चों को, मेरी बच्चियां हैं। फिर कहोगी वजन कम क्यों नहीं होता इसका? नहीं इतना सही हो रही है, इतना सही है, इतना सही है, इतना सही है बस। क्या बोल रहे हो? कम नहीं हो रहा, ऊपर से चॉकलेट खाती रहती है, उनका भी कम नहीं हो रहा। ए जबान संभाल के, सच तो कड़वा ही होता है। सच नहीं बोलने का, सच बोलने का ही नहीं, सच इस घर में आना ही नहीं चाहिए। तो जी ये देख लो, मैं यहाँ पे अपना चाय वगैरह पी रही हूँ, शाम का वक्त है और इस जगह को कोई नहीं छोड़ रहा है, वो आप देख सकते हो। उसने चेरी को नीचे फेंक दिया और खुद बैठ गई है और बहुत मजे ले रही है ये। क्या है, तो तंग कर दिया मम्मा को, उठाया कराटे मारी थी तेरी मम्मी, कराटे मारा था मेरा बाबा। फोन आया है देख तू पीछे। विकास कैसा लगा उनका वो तीनों के लिए गिफ्ट आया है? हाँ, बहुत अच्छा। इसी में सो रही थी तीनों लड़ लड़के आपस में, अभी आई है मेरा फ्रूट खाने के लिए। चलो चलो आप घूमी घूमी करने जा रहे हो ना चेरू, चलो जो 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 बच्चा घूमी करने जाएगा उसको मम्मा ड्रैगन फ्रूट देगी। जाओ पहले चेरी जाएगी, ओके? उसको डर भी लगा हुआ है कि विकास ले जाएगा, साइड साइड देख लिया उसको, खाना भी है फ्रूट। चुन चुन चलो अब मम्मा की बारी आपकी, ओके? ले 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 ये ले ये ले ये ले चेरी, जा जाते जाते ले ये ले ये ले, लेके जाओ कैंडा की बारी, ओके? अब इसके बाद ना झांपड़ पड़ेगा तुम लोगों को, चलो भागो यहाँ से। अब बच्चे छुपा के रखे हुए हैं, पकड़ती हूँ कल तेरे बच्चों को, रुक। कम से कम दो देने पड़ेंगे मेरे को, इतनी भूख लगती है अमिता, ये मेरी वेट कर रही थी पता है, छोटी को भगा रही है, छोटे को मैं देखती हूँ। अब मैं ना धीरे धीरे करके इसको हाथ भी लगाने लग गई हूँ, देखो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं, नहीं नहीं अभी कर, तू जाए वहाँ पे कैंडी, यहाँ मत आना, तू डरता है बच्चा, जाओ वहाँ पे जाओ, डरना नहीं है। मैं एक तो मैं खाना दे रही हूँ, ऊपर से तू मुझसे डर रहा है। अच्छा आजा नहीं कहते। मैं वॉक कर रही हूँ ना, ये छोटी बिल्ली जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ वहाँ मेरा पीछा कर रही है और हाथ नहीं लगाने दे रही, लेकिन जहाँ जहाँ वॉक करूंगी ना, अभी देखना मैं आगे जाऊंगी तो वॉक करती हुई तो मेरे पीछे पीछे आती है, मेरे को डर लगता है यार इसके लिए। ये देखो ये देखो 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 कैसे सारी सेर चलती आ रही है, देखो। ये देखो वो खेल रही है मेरे साथ पूरा, अपनी तरफ से ना उसका खेल चल रहा है, वो जहाँ तक मैं जाऊंगी वहां तक हो जाएगी। ये लड़का है या लड़की है तू मुझे बता दे, लड़का है क्या बता रहा है तू, क्या बोलना चाह रहा है? आ जा तू, पारी पारी करता है मुझसे पगले, देखना अभी फिर आएगा, देखो ये देखो ये मेरा पीछा करेगा और फिर कह रहा है मैं पसंद नहीं करता तेरे को, मेरी कोई दोस्ती नहीं है तुझसे। प्लीज मुझे इसका मतलब समझाओ कि क्या है इसका मतलब, ये क्या बताना चाह रहा है, छलांगे मार मार के आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब क्या है, ये दोस्ती करना चाह रहा है या कह रहा है दूर रहे मुझसे।